हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है, उसमें हम मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, उनका इलाज करते हैं। और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ मनोरुग्ण तथा व्यसनी लोगों को बिना रिश्तेदार भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। मेरे पास में जो काफ़ी पेशेंट आते हैं, उसमें से एक पेशेंट के बारे में, मतलब एक बीमारी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है पैनिक डिसऑर्डर। जैसा मैंने पहले वीडियो में मैंने पैनिक अटैक के बारे में आपको बोला, अभी बोल रहा हूँ पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। तो जो लोगों को पैनिक अटैक आता है, और जैसा मैंने पहला वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है, मैंने बताया हुआ है कि 13 में से 4 यदि लक्षण है और वो 10 मिनट के अंदर अति तीव्र स्वरूप में आते हैं, 13 में से 4, तो समझना कि यह पैनिक अटैक है। तो ऐसे पैनिक अटैक आना जरूरी है पैनिक डिसऑर्डर के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए कि पैनिक डिसऑर्डर में पैनिक अटैक आना जरूरी है। मगर पैनिक अटैक आने के बाद में, वो अच्छा होने के बाद में, यदि उसको एक महीने तक मैं जो बोल रहा हूँ उसके 3 में से 1 सिम्टम यदि रहा, तभी फिर उसको बोलते कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। मतलब देखो, पैनिक अटैक है उसके साथ साथ 3 में से 1, 1 महीने तक। और वो कौन सा है कि बार बार चिंता रहना कि और अटैक आ जाएगा, ऐसी चिंता बार बार रहना 1 महीने तक, और अटैक आए तो मैं करूँ, मतलब हरदम उसके तनाव के नीचे रहना कि अटैक आ जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो जो है कि पैनिक अटैक से जो नुकसान हो रहा है उसकी चिंता करना, या उसके बारे में बार बार उसके बारे में ये करना कि भाई नहीं, मैं मर जाऊँगा क्या, मेरा कंट्रोल निकल जाएगा मेरे ऊपर, या फिर मैं पागल हो जाऊंगा क्या, मतलब उसकी बार बार चिंता करना। और तीसरा कि पैनिक अटैक आने से बर्ताव में फ़र्क पड़ना, और बर्ताव में फ़र्क पड़ना मतलब कैसा है कि जब पैनिक अटैक आता है तो उसको लगता है डर बाहर जाने का, तो बाहर जाता नहीं, थिएटर में जाएगा नहीं पिक्चर देखने के लिए, मॉल में जाएगा नहीं, बाज़ार में जाएगा नहीं, कहीं सफ़र अकेला करेगा नहीं, अपने काम पर जाएगा नहीं, मतलब उसको लगता है कि पैनिक अटैक आ गया तो मैं क्या करूँ, उस समय मर जाऊँगा, तो इसलिए वो घर के बाहर ही निकलता नहीं, घर में बैठे रहता है। तो ये जो बर्ताव में बदल आ गया, मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं कि 2-2 साल वो अपने घर में बैठे हुए घर के बाहर ही निकले नहीं है, और वो पैनिक डिसऑर्डर से वो बीमार है। तो ऐसा बर्ताव में बदल आ जाना, तो ये 3 में से 1 भी आता है और 1 महीने तक, तो उसको हम समझते हैं कि उसको पैनिक डिसऑर्डर है। अभी उसकी ट्रीटमेंट कैसे करना, काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप ट्रीटमेंट के बारे में बताओ, मैं आपको बताता हूँ ट्रीटमेंट क्या है। तो एक तो ऐसे कि अपने थॉट को वॉच करना, और थॉट अपने जो थॉट्स है उसके बारे में सोचना, वो ऐसा है कि भाई जब आपको वो अटैक आता है तो बोला कि ये अटैक आ रहा है, देखो मेरी भावनाएं कैसे हो रही है, मेरे को डर लग रहा है, मुझे विचार आ रहे हैं, तो उसके बारे में उस समय सोचना, अटैक के समय उसको एक्नॉलेज करना कि मेरे को थॉट आ रहा है, ये भावनाएं आ रही है और इसकी वजह से मेरे को डर लग रहा है, ये ऑटोमेटिक चालू हो गया है, तो इसमें खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को ऑब्जर्व करके देखो कि ये मेरी भावनाएं और मेरे विचार ये अति तीव्र हो गए, इससे मेरे को डर लग रहा है, तो थॉट्स के बारे में सोचो, नंबर एक। नंबर दो, उस समय ये भी सोचना है कि भाई ऐसे अटैक मुझे आए हैं पहले, और ये अटैक से मेरी मृत्यु तो नहीं हुई, मर तो जाऊंगा नहीं मैं इतना पक्का है, नहीं तो अभी तक मरता था। तो वहाँ उस समय बैठ के जस्ट आराम करना, रिलैक्स हो जाना, पूरा बदन रिलैक्स करना, और सिर्फ सोचना कि भाई कुछ होने वाला नहीं है, ये अटैक चले जाएगा, मैं अच्छा हो जाऊँगा, ये दूसरा। और तीसरा, वो अटैक जाने के बाद में रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो सीखना। उसमें हम क्या करते हैं कि पहले पूरे बॉडी के मसल को ऐसा तनाव में लाते हैं, मतलब तनाव में लाओ, ला के टेंशन लाओ, समझे, ऐसा पूरा हाथ कड़क किया, फिर ढीला किया, फिर कड़क किया, फिर ढीला किया, ऐसे पूरे बॉडी को करवाते हैं, ताकि वो कड़क करना ढीला करना, तो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है उसको कि देखो अटैक जब आता है तो कितना कड़क हो जाता है बदन, और ढीला करना मतलब क्या होता है। तो पूरा बदन ढीला करना है, लूज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना, और उस समय सेल्फ हिप्नोसिस के सजेशन देना, सेल्फ हिप्नोसिस में जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करना, उसमें सजेशन देना अपने अंतर्मन को, और वो जो पैनिक अटैक आते हैं उसकी कल्पना ये अवस्था में करना, मतलब देखो अपने ब्रेन को अपन चीट कर रहे हैं, चीटिंग क्या कर रहे हैं, बैठे हैं घर में सोच रहे कि मुझे पैनिक अटैक आ गया,
और रिलैक्स बैठे हुए। तो ऐसे बार 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 आप प्रैक्टिस करते हो, रिलैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हो, सेल्फ हिप्नोसिस सेल्फ सजेशन की प्रैक्टिस करते हो, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस करते हो, और वो अटैक आता है तो कुछ दवा अपने पास में रखे और जवान के नीचे दवा रख दिया तो वो उत्ते पुरता अटैक तो ठीक हो जाएगा। जैसे पैनिक डिसऑर्डर का इलाज है ये, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब अच्छे अच्छे लोग हम पूछते हैं उनको कि भाई आप बाहर जाते नहीं, आप शादी में जाते नहीं, तो कुछ तो भी उल्टा पुल्टा जवाब देके वो चुभने नहीं, हमको अच्छा लगता नहीं, हमको ऐसा नहीं, एक्चुअली बोलते नहीं कि हमको पैनिक डिसऑर्डर है या हमको फोबिया है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके परिचित होंगे कि जो बाहर जाना टालते होंगे, घर में बैठते होंगे, काम धंधा जाना छोड़ दिया और कारण भलते ही देते हो, उनको मालूम ही नहीं कि ये बीमारी है। ज़रूर ये वीडियो लोगों को शेयर करो, उनको फ़ायदा हो जाएगा। हमारा जो मिशन है वो है कि मानसिक स्वास्थ्य सबके लिए और व्यसन मुक्त भारत। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करो, उनको मालूम हो जाएगा, वो इलाज कर लेंगे अपना, और एक अच्छा समाज हम निर्माण करेंगे, एक पावरफुल इंडिया हम निर्माण करेंगे। तो ज़रूर वीडियो आप लोगों को शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करो, और लाइक करने के बाद में या शेयर सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आती है उसके ऊपर भी प्रेस करो सब्सक्राइब के बाद में, ताकि घंटी आप प्रेस करते हैं तो फिर आपको मेरे वीडियो की इंटीमेशन सबसे पहले आएंगी। तो ज़रूर लाइक करो, आपके फेसबुक के ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।